हरे कृष्णा, आप सभी का ड्रॉपलेट्स ऑफ नेटर चैनल में स्वागत है। आज हम आषाढ़ी एकादशी की कहानी पर चर्चा करेंगे। आषाढ़ी एकादशी के कई नाम हैं, शयन एकादशी, देव शयन एकादशी, पद्म एकादशी एवं अन्य प्रकार। एक बार की बात है, युधिष्ठिर महाराज कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, आप मुझे आषाढ़ महीने में आने वाले एकादशी की चर्चा करें। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कैसे पालन करना चाहिए और किनकी आराधना करनी चाहिए? कृष्णा बताते हैं, हे राजन, आपने बहुत ही सुंदर सवाल किए। यह सवाल सभी भक्तों के लिए बहुत लाभदायक है। तो एवं प्रकार से बताते हैं कि कैसे। एक बार यही प्रश्न नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछे थे और बता रहे थे कि ब्रह्मा जी बोले कि यही सवाल का जवाब देने के लिए राजा मानधाता की उन्होंने कहानी सुनाए। राजा मानधाता जो कि सूर्य के वंशज हैं, सूर्य के राजा के वंशज में आते हैं, ऐसे राजा जो कि धर्म पलायन है, सभी धर्म के नियमों को पालन करते थे एवं उनके इस धर्म पलायनता से उनके राज्य में सब प्रकार की सुख समृद्धि थी। पर एक बार की बात है कि किसी कारणवश उनके राज्य में सूखा पड़ गया था और इस प्रकार से सूखा पड़ने से उनके राज्य में बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आने लग गए थे। बहुत तरह की परेशानियां उनके राज्य के राज्यवासियों को सता रही थी। राज्यवासी सब एकत्रित होकर राजा से मिलने गए और राजा से बोले, हे राजन, हे मानधाता राजा, आप सब हमारे पालनकर्ता हैं। आप देख सकते हैं कि राज्य में पानी की कितनी कमतरता है। पानी हम सबका जीवन है। पानी के ऊपर ही विष्णु भगवान भी शयन करते हैं, इसलिए उनका नाम नारायण है। नर मतलब पानी, और पानी के ऊपर शयन करने वाले ऐसे विष्णु का हमें आराधना कैसे करें कि हम पानी के प्रॉब्लम से, पानी की परेशानी से दूर हो सकें। उसके कारण हमारे राज्य में अनाज भी नहीं है और बहुत सारे राज्य के लोग मारे जा रहे हैं। तो राजा मानधाता उनके परेशानी को समझते हुए अपने घोड़े पे चढ़ के वो जंगल की ओर निकलते हैं और जाके अंगिर ऋषि से मिलते हैं। अंगिर ऋषि उनके परेशानी को समझते हुए बताते हैं कि आपके राज्य में एक शूद्र जो है वो धर्म की परिभाषा बदल रहा है, धर्म को अनैतिक कार्य से पालन कर रहा है, इसीलिए आपके राज्य में ऐसे परेशानी आ रही है। राजा अंगिर ऋषि को दंडवत प्रणाम करते हुए पूछते हैं कि मैं राजा हूँ तो मैं उसका वध तो नहीं कर सकता, आप कोई आध्यात्मिक कारण बताइए जिससे मैं अपने राज्य के लोगों की परेशानी को दूर कर सकूं। अंगिर ऋषि कहते हैं, हे राजन, आप बहुत ही समझदार हैं। आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का आप और आपके सभी राज्यवासियों को बोल के पालन करिए, इससे आपके सभी प्रॉब्लम्स, सारे परेशानियां दूर हो जाएंगे। इस प्रकार से राजा मानधाता आने वाले आषाढ़ी एकादशी को जाके सभी अपने परिवारगणों के साथ में एवं समाज के साथ में, राज्यवासियों के साथ में इस एकादशी का पालन करते हैं और उनके राज्य में जैसे ही एकादशी ख़त्म होती है बहुत ही घनघोर बारिश चालू हो जाती है और एवं प्रकार से बाद में घनघोर वृष्टि होने के बाद में बहुत ही जो अनाज है, अनाज की उत्पत्ति भी होने लगती है। तो एवं प्रकार से सब लोग जब इस आषाढ़ी एकादशी के व्रत को पालन किए, कृष्ण जो कि ऋषिकेश हैं वो खुश हुए और उनको एवं समृद्धि प्रदान किए। तो इस प्रकार से कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं
कि आप भी इस एकादशी का पालन करें और अपने राज्यवासियों को इस एकादशी के पालन करने के ऊपर जोर दें। जो भी इस एकादशी को नियमित रूप से पूर्ण उपवास रखते हुए पालन करते हैं, वह कृष्ण के एकदम प्रिय हितैषी बन जाते हैं। हरे कृष्णा।